हेलो एंड वेलकम गाइस, हिज अ मनीष एंड यू वाचिंग माय स्टडी दोस्त। स्वागत है आप सभी का माय स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपका एयरफोर्स का जो एग्ज़ाम है एक्स और वाई ग्रुप का, उसमें इंग्लिश के क्या मायने हैं, आप उससे रूबरू हो चुके होंगे कि इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाई, सबसे ज़्यादा क्यूरी मुझे इंग्लिश से इसी रिगार्डिंग मिल रहा था कि हमारे जो मार्क्स हैं 10 तक आ रहे हैं या 10 से कम आ रहे हैं। ठीक है, तो उन सभी के लिए गाइज एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप वोकेबलरी को तो सिर्फ 2 दिन बचे हैं आपके पास में, इतना इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते, तो बताना चाहूँगा कि आप ग्रामर को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े। अब ग्रामर में आप क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आज मैं आपको एक PDF फाइल देने वाला हूँ जो आपके सामने अभी यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, उसके साथ में एग्जाम्पल्स हैं। तो ये PDF इतना इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे अगर आप इससे पढ़ लेते हैं तो आपको इंग्लिश में 10+ नंबर लाने के कोई नहीं रोक सकता, और जिसकी अच्छी तैयारी है वो 15+ आराम से ले आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे 100+ आपको रूल्स मिलेंगे। मैं कभी नहीं कहता कि आप रूल्स पढ़ो, लेकिन अब आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वन नाइट स्टडी के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी है कि कहाँ पे क्या होता है, अब रटना ही पड़ेगा आपको। अब पहली बात तो ये है कि आपने एक नाइट के लिए आने ही क्यों दिया ऐसी सिचुएशन, लेकिन अगर आपको आ गई है तो अब इसका भी सोल्यूशन है कुछ, तो बस यही है कि आप इसे रट दो, जैसे भी कर सकते हो इसको, मतलब एक बार समझ लो, रटने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा एक बार समझोगे। जैसे यहाँ पे देखो, आपके पास में कोली दिया गया है, कोली का मतलब यह क्या होता है, शांति और धैर्य। और ये LY जो आपका वर्ड है ये आपके पास में होता है एडवर्ब। देखिए, एक LY यहाँ पे लगा हुआ है, ये एडवर्ब है आपका और ये भी एडवर्ब है, दोनों के अंदर LY लगा है तो आपको पता ही है, मैंने बताया था कि LY में एडवर्ब बनता है, लेकिन इसका मतलब होता है शांति और इसका बेरुखी होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल कह रहा है, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ, कि ही इज़ वेरी पेटेंट सो ही ऑलवेज डज हिज वर्क कोली। ठीक है, तो वो क्या करती है, अपने कार्य को कैसा करती है, कोल्डी करती है, कोल्डी मतलब बेरुखी से। लेकिन यहाँ पे पहले पहले की पॉजिटिव बात हो रही है, पेशेंस, वेरी पेशेंस, यानी कि उसके पास बहुत सारी धैर्य है, तो वो आपके पास वो कैसा करेगी आपको, ये आपके पास में इनकरेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में इसकी जगह पे आपका कोली हो जाएगा, कूलली, यानी कि शांति से करती है, कूल माइंड से करती है। तो इस प्रकार से आपको पता चलना चाहिए। तो ये सब बहुत से रूल्स हैं जो अभी मैं यहाँ पे तो नहीं करवा पाऊँगा आपको सभी, लेकिन आप वीडियो को देख लिए होगे तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, और ज़रूर से इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके बाद में इसे देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। आपको दिखा देता हूँ कितने रूल इसमें मैंने आपको इंक्लूड करके दिखाए हैं। तो करीबन 133 के आसपास रूल्स थे, तो वो अभी आप क्लियर देख लेंगे, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, 20 से 21 पेज यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये देखिए 133 लास्ट रूल है, तो इतना भी अगर आप कर लेते हैं तो इंग्लिश में आप मान सकते हैं कि आपका काफ़ी सा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो आई होप आप सभी लोगों के लिए ये बहुत ही ज़रूरी होगा, तो आप PDF को देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पर गाइज, इसके लिए गाइज एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करना होगा। अब देखो यार, इतने सेल्फिश मत हुआ करो, आप सारी चीज़ें ले लेते हो, कंटेंट मैं आपको दे देता हूँ, पर आप अपना सपोर्ट नहीं दिखाते हो मेरी तरफ से। तो आप मैसेज कर देते हो, आप जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें हमारे कम से कम 1200 से कैंडिडेट जुड़े हैं, उन सभी का भी क्यूरी जो भी होता है मैं सभी का रिप्लाई ज़रूर देते हैं आपको। तो बस आपसे एक ही निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करो या ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है कि शेयर करना है या नहीं करना है। आप अपने दोस्तों की हेल्प करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं करना है तो आपको, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ बस इतना मुझे पता है। शेयर करते हो नहीं करते हो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे व्यूज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, बस जिस लोगों ने ये वीडियो देखा है उसको मैं निवेदन करना चाहूँगा, इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो सब्सक्राइब नहीं किए वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसी वीडियोज़ हम आपको देते रहते हैं। और बाकी आपका जो एग्ज़ाम का एनालिसिस होगा 3 तारीख को, जैसे आपका पेपर होगा, बहुत से कैंडिडेटों ने यहाँ पे मेरे को बोल दिया है कि वो क्वेश्चन आप मेरे साथ शेयर कर देंगे, जैसे ही क्वेश्चंस मुझे मिलेंगे आपको दे दिया जाएगा। 3 तारीख का जिनका 2 बजे का शिफ्ट है तो वो भी ज़रा ध्यान में कंटिन्यू रहिएगा मेरे साथ में, तो उनको भी शायद हो सकता है क्वेश्चंस अगर जल्दी मिल गए तो मिल जाएंगे, और 4 तारीख वालों के लिए तो खैर मैं दे ही दूंगा। तो ज़रूर बने रहिएगा हमारे साथ में और सपोर्ट करते रहिएगा अपना, बिना सपोर्ट किए तो आपको भी मैं पता है कि कुछ नहीं हो पा सकता, अकेला व्यक्ति कोई कुछ काम नहीं कर सकता, बस आपको यही बताना चाहूँगा। और बिल्कुल टेंशन मत लेना यार, बिल्कुल निडर होके जाना, एकदम कुछ बड़ा नहीं है यार, वो बहुत बड़ा एग्ज़ाम, UPSC का एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हो, एयरफोर्स एयरमैन का एग्ज़ाम है, पर ये सोच के जाना कि UPSC का ही देने जा रहे हैं, और इतना माइंड में रखना कि
मतलब सब कुछ आता है मुझे, अगर कुछ भी नहीं आता ना तो कॉन्फिडेंस रखना, अरे कोई दिक्कत नहीं मैं कर लूँगा, सब आता है मुझे, बस इतना पॉजिटिविटी के साथ जाओगे ना तो आप 5-7 क्वेश्चन तो क्रेज के चक्कर में वैसे ही सही कर दोगे। तो बस अगर आपने सारा याद है और अब आपको दिमाग में ये चल रहा है कि यार मुझे ये नहीं आया, यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, ये कहाँ से आ गया, बस ऐसे नहीं सोचना यार, जो भी है ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो पूरा का पूरा करके आना है, कम से कम उसमें से आपके सही होंगे बिल्कुल। लेकिन ये मत करना है कि मैं चाहते ही यार जय बजरंग बली ए, जय बजरंग बली सी, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा क्वेश्चन में एनालाइज कीजिए, उसको एलिमिनेट कीजिए कि क्या ऑप्शन नहीं होता, अगर आप दो ऑप्शन भी एलिमिनेट करते हैं तो 50% चांसेस हैं, और हो सकता है कि आप उसी को टिक कर दें जो सही है, तो ये भी एक ट्रिक होती है, ठीक है। और वैसे 4 क्वेश्चन में आप जानते हैं कि 25% होता है और 50% उसका डबल हो जाता है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट रहा होगा, बस आज के वीडियो में इतना ही, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके, आप पढ़ लीजिएगा जो भी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और करंट अफेयर से आपको रिलेटेड क्वेरी आ रही हैं तो उसके लिए मैंने PDF टेलीग्राम में दे दिए हैं, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज़रूर से वहाँ पर देख लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच गाइज, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।